आप इसमें छोटे वाले ग्लास भी यूज कर सकते हैं। पहले अपने ग्लास सेट कर लेंगे। जैसे हमारे ग्लास सेट हो गया, इसी तरीके दूसरा ग्लास रेडी कर लेंगे। जल्दी से पैन लेना, इसमें मैं दूध डालूंगी, इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। बस इसको बस हम हल्के हल्के से पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना। बस ये जब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाए तो ये रेडी हो जाएगा। जी ये देखिए, ये बस हमारा मेल्ट हो गया चॉकलेट सारी। तो अब इस स्टेज पे मैं अपना चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको बस हमारा रेडी है ये चॉकलेट मिल्क। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कितने मज़े का चॉकलेट मिल्क रेडी हो गया हमारा। इसमें से थोड़ा मैं एक बाउल में निकाल दूंगी और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अपनी आइसक्रीम वनीला की, और इसके बाद में थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी डालूंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, जो हमें चॉकलेट जो हमारी आइसक्रीम है इसको हमने अच्छे से इस पर मिक्स कर देना है कि हमारी आइसक्रीम डिजॉल्व हो जाए इस चॉकलेट और दूध के अंदर। ये देखें, ये बस मिक्स हो गई है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक मज़े का ड्रिंक है। इसको मैं ग्लासेस में डाल दूँगी। मैं वनीला आइसक्रीम डाल दूंगी। पहले जो मैंने आइसक्रीम डाली थी उसको हमने चॉकलेट मिल्क के अंदर अच्छे से मिक्स किया। जब वो आइसक्रीम मेल्ट हो गई है तो फिर मैंने इसको ग्लासेस में डाला और अब मैं इसके अंदर आइसक्रीम डाल रही हूँ। अब इस पर हम थोड़ी सी कॉफ़ी डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। और ये बस कुछ ओरियो कुकीज़ हैं वो मैंने इस पर डाल दिए। कुछ मेरे पास चॉकलेट कुकीज़ हुए हैं, मैं इसमें वो भी डाल दूंगी। चॉकलेट सिरप इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा। आइसक्रीम शुगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए कि ऑलरेडी आइसक्रीम मीठी थी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप उसमें डाल सकते हैं आइसक्रीम शुगर। इसके अंदर छोटे से कुकीज़ डाल दूंगी मैं और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। एक मज़े का हेल्दी सा ड्रिंक है ये। ले मज़े की चॉकलेट शॉर्ट्स रेडी हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। मिलते हैं।